नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिहार कैबिनेट के मीटिंग में कई फैसले लिए गए, जिसमें एक फैसला बिहार में ANM की बहाली प्रक्रिया को लेकर भी सामने आया है। इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM की नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के बाद होगी। इस फैसले पर नीतीश सरकार ने मुहर लगा दी है। उसके साथ साथ बिहार महिला कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2018 को खत्म कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एम सिद्धार्थ ने पत्रकारों को कैबिनेट की बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब ANM की बहाली जिला स्तर पर होती रही थी। कैबिनेट के फैसले में 2018 के नियमावली को निरस्त करते हुए इसे राज्य स्तर पर कराए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य स्तर पर होने वाली बहाली में लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। ज्ञात हो कि कैबिनेट की बैठक में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग 2018 को खत्म कर नई नियमावली बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। मंगलवार यानी 30 मई को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार के अलावा मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल हुए, जिसमें कुछ अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। उसमें से ANM बहाली को लेकर लिया गया फैसला अहम बताया जा रहा है। पहले ANM की बहाली जिला स्तर पर होती थी, अब नई नियमावली के अनुसार यह बहाली राज्य स्तर पर की जाएगी। हालांकि सूत्रों की माने तो कहना है कि गठबंधन सरकार ने प्रदेश की जनता से जो रोजगार का वादा किया था, उसके मद्देनजर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उस ओर कदम बढ़ा रही है। जल्द ही बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति भी हो जाएगी। हालांकि इसके बाद भी सरकार का विरोध बहाली नियमावली को लेकर जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि रास्ता क्या निकलेगा। फिलहाल सरकार अपने रोजगार के वादे पर तेजी से आगे बढ़ रही है।